हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ सदर बाज़ार बारह टूटी चौक। ये वाली गली बहुत फेमस है, यहाँ पे संडे को बाज़ार लग जाता है और करीबन मुझे लगता है 5 बजे से लग गया होगा, क्योंकि हम लोग गए थे 8 बजे और बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और यहाँ पे पर्सेस के सेल लगे हुए थे 100 रुपीज़ के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन थे इसमें। और यहाँ पे थोक व्यापारी ज़्यादा आते हैं, होलसेल वाले होलसेल रेट में ही सब मिलते हैं, होलसेल की चीज़ें ही देते हैं और रिटेल कोई कोई ही देते हैं, सब होलसेल ही देते हैं। यहाँ पे घड़ियाँ मिल रही थी 100 की, 50 की और 60 की, ठीक है। बड़े बड़े जो डिज़ाइन अभी मैं दिखा रही हूँ ये सारे 100 वाली है, और जो बच्चों की थी थोड़ी सी सिंपल थी वो 50 की थी, और बच्चों की भी थी 100 वाली भी थी, और ये सारे जो है 100 वाली हैं। ये वाले भैया रिटेल में दे रहे थे, एक एक पीस बेच रहे थे, तो यहाँ से हमने नवाज़ के लिए एक वॉच लिया, ये इसमें से लिया 50 रुपये का। ये 50 वाली है, बाकी सारे 100 वाली, 60 वाली है। ये 100 वाली है जितने भी मैं दिखा रही हूँ, मतलब जो आपके नज़र में आ रहा है अच्छा लग रहा है, ये सारे 100 वाली ही हैं। मुझे ये पसंद आई थी लेकिन 100 की थी तो मैंने 50 वाली ही ले ली। वैसे भी तो घड़ी ज़्यादा दिन चलनी नहीं है इसकी, मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बारह टूटी चौक जैसे एंटर करेंगे ना उससे पहले ही ये वाला शॉप लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद एक भैया यहाँ पे हेयर बैंड्स 2 दर्जन हेयर बैंड बेच रहे थे, जो 100 की थी और इस तरह के पैकेट में, और कुछ टियारा थी जो 100 की थी। ये वाली थी 50 रुपीज़ की और 80 रुपीज़ की, ये सारी 80 रुपीज़ वाली हैं। हेयर एक्सेसरीज़ हैं और कुछ ब्रेसलेट्स हैं और कुछ हेयर पिंस हैं, क्लचर्स हैं, और जो स्टोन्स लगे हुए हैं सब में, सब डिज़ाइनर पार्टी वेयर है। और 80 रुपये में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, मार्केट में इसकी प्राइस 150-200 तक की है, और यहाँ जो नॉर्मल मार्केट्स होती है उससे थोड़े से कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक से ज़्यादा यानी दर्जन भर चीज़ें लेनी है, मतलब ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तो ही आप यहाँ पर जाएँ, वरना एक दो के लिए तो हमारी पास की मार्केट ही सही होती है। ये है मिल रही थी 100 रुपये की सेट्स, गले और कान का था इसमें और मांग टीका थी साथ में, और ये स्टड्स थे कुछ जो 160 के दे रहे थे भैया पूरा डब्बा। अभी मैं दिखाऊंगी डब्बा, ये डब्बा था 160 का। तो इसी तरह का रेट था यहाँ पे, आपको थोक में लेना है, ये भैया रिटेल नहीं दे रहे थे, कुछ कुछ दुकानदार थे जो रिटेल में दे रहे थे। इधर चूड़ा बिक रहा था, शो पीसेस बिक रही थी, तो इधर तो कुछ रिटेल नहीं मिला। इधर नेल पॉलिश मिल रही थी 20 रुपीज़ ईच की, 40 की थी, कुछ 50 की थी और कुछ 30 की थी, ठीक है, 30, 40 एंड 50। तो मैंने 20 वाला एक लिया नेल पॉलिश, और लिपस्टिक थी 50 रुपीज़ की। इस तरह के गले के सेट्स मिल रहे थे जो 200 रुपये का डब्बा था, और ये क्लिप्स थी जो कुछ 60 रुपये की थी, कुछ 100 रुपये की थी। ये 50 रुपये का ब्रेसलेट्स था पर्ल वाला, और इधर सनग्लासेस दे रहे थे 50 रुपीज़ का, मेरे हस्बैंड ने एक लिया 50 रुपये वाला। और ये इस तरह के हेयर पिंस थे जो 50 रुपये का डब्बा था, ये 60 रुपये वाला है जिसमें फ्लावर्स लगे हैं, ये 50 रुपये का डब्बा है। हेयर पिंस है, इधर स्टड्स है, और ये भैया रिटेल नहीं दे रहे थे, वो हेयर पिन वाले रिटेल दे रहे थे। ये भी था 150 रुपये का पूरा दर्जन भर मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का दर्जन भर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ये सिंगल नहीं देंगे। ये एंकलेट था जो 50 रुपीज़ का भी मेरे हाथ में था, और ये जो जंग ज्वेलरीज दिख रहे हैं आपको, ये 80 रुपीज़ था पैकेट में, बहुत अच्छा था, क्योंकि ये मार्केट में मैंने देखा है सरोजनी या भीर कमलानगर में ये 150-200 के मिलते हैं इस तरह के सेट्स, ठीक है। और ये एंकलेट अभी बहुत ट्रेंडिंग है, इसकी प्राइस थी 80 रुपीज़, तो मुझे तो नहीं पहना था, मैंने कच्चे के लिए लिया। ये इसमें 10 अंगूठियाँ थी जो 50 रुपये के दे रहे थे भैया, और ये चेन पर चेन 20 रुपीज़ ईच थे, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें डिज़ाइंस थे, कुछ इसमें सिल्वर थे, कुछ गोल्डन थे, डिस्को चेन्स थी, प्लेन्स थी, डिज़ाइनर्स थी, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस थी, तो मैंने इस पर 20 रुपीज़ का एक लिया। साथ में यहाँ पे था मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का प्राइस था 30 रुपीज़ ईच, ये भैया रिटेल दे रहे थे, और साथ में घर की ज़रूरी कुछ चीज़ें थी जो 60 रुपये में 6 मिल रहे थे, और इसमें थे 10-12 आई थिंक रबर बैंड्स थे जो भैया 50 रुपये के दे रहे थे। तो बेसिकली यहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो रिटेल में नहीं देते हैं, वो होलसेल में ही सेल करते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करनी है ना तो ही सदर बाजार जाए, एक दो चीज़ लेने के लिए जाना बिल्कुल बेकार है सदर बाजार मेरे ख्याल से। फिर भी अगर आपको थकने का शौक है और बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है तो आप जा सकते हैं, आपकी ख़रीदारी भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। यहाँ पे 20 रुपीज़ ईच का इस तरह के इयर रिंग दे रहे थे जो हमें कमलानगर वगैरह में 30 रुपीज़ के मिल जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रख के लोग वहाँ पर सेल करते हैं। ये वाले सेट्स जो थे 100 रुपीज़ के भैया दे रहे थे, और ये वाइट वाली एक
200 रुपीज़ की थी। ये भी काफ़ी अच्छा था, इस तरह के चौक थे। और ये वो ईयर रिंग थे आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ के होंगे। तो कुछ कुछ मैं कह रही हूँ जो शॉपकीपर से वो दे रहे थे रिटेल में। और यहाँ पे ईयर रिंग ये मुझे बहुत पसंद आई थी मल्टी कलर की, ये ओनली फॉर 80 रुपीज़। ये कम से कम 150-200 की होगी कमला नगर में। और इस तरह के एंकलेट थी, और ये भी भैया होलसेल में ही दे रहे थे। और ये पर्स थी 450 की, और ये दो पर्सेस के डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आए थे, ये 400 और 450 की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इस तरह के फिंगर रिंग्स थी जो एक साथ 10 थी आई थिंक, और उसको 50 रुपये में मिल रही थी। ये थी पायल, पायल मैंने पसंद कर लिया था। ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये का पायल थे इसमें, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी और मैंने पसंद कर लिया था। लास्ट में पता चला कि ये भैया रिटेल में नहीं देते हैं, पसंद वगैरह करने के बाद पता लगा कि वो रिटेल में देते ही नहीं, फिर छोड़ के चली आई। और यहाँ पे इस तरह के स्टड, ये देखिए ब्रेसलेट है 50 रुपीज़ के, अच्छे लग रहे थे ड्रेस के मैचिंग का, कोई फंक्शन वगैरह हो, हल्दी या मेहंदी वगैरह में। और इस तरह के ये दे रहे थे 50 रुपये में, ओनली फॉर 50 रुपीज़। बहुत ही अच्छा था ये इस तरह का ज्वेलरी। और ये था बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, नेक पीस था, चेन इस तरह से लॉकेट बना हुआ था इसमें, इसमें एन लिखा हुआ मैंने नवाज़ के लिए लिया, और हार्ट शेप वाला कशिश के लिए लिया। ये हार्ट खुल भी जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह का ब्रेसलेट मैंने एक कशिश के लिए लिया, ये सिंपल वाला जिसमें क्या ईविल आई बना हुआ है ना, ईविल आई उसको बहुत पसंद है, तो ईविल आई वाला लिया। और डबल वाला थोड़ा 50 रुपये का था, 40 रुपये का था, 40 रुपये का था। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक भैया ने यहाँ पे मेकअप का प्रोडक्ट लगा रखा था, कॉस्मेटिक्स, ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं ना उसकी फर्स्ट कॉपी है बता रहे थे वो, अब मुझे नहीं पता वो बता रहे थे। अच्छा ये इयर रिंग था 75 रुपीज़ ईच, क्योंकि वो 150 का दे रहा था, एक लेते भी तो दे देता। यहाँ पे घड़ियाँ लगी हुई थी, वॉचेस, ये भी 50 रुपीज़ की थी। घड़ी तो मैं ले चुकी थी इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पे परफ्यूम बिक रहे थे 50 रुपये के, तो एक परफ्यूम लिया मैंने। ये 100-100 रुपये का डब्बियों में भरी हुई सेट्स मिल रही थी। और सबसे मुझे पसंद आई ये ज्वेलरी जो 200 रुपीज़ की थी, मांग टीका और इयर रिंग था, और काफ़ी हैवी लग रहा था 200 रुपये में। बहुत ही सुंदर था इसकी ज्वेलरी, इसका जो लुक था देखने में एकदम हैवी पार्टी वेयर लुक आ रहा था, मैरिज पार्टी वगैरह सब में आप पहन सकते हैं, इस तरह का इसका डिज़ाइन था। बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं घूम पाई और घर वापस आ गई। अगला